हाय सब्सक्राइब, तो कैसे हैं आप सब गाइस? आज का वीडियो ना होने वाला है मेरा हॉल का ली वीडियो, और ये मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी है। बहुत टाइम बाद मार्केट गए और कुछ सामान खरीद के लाई हूँ, और ये सारा सामान जो है ना, ये बहुत टाइनी माइनी सा छोटू मोटा सा सामान है मेरा, बट है बड़ा काम का। तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है सभी के, जो कि इसमें है मेरे जुगाड़ू चीज़ें जो मैं खरीदती हूँ, बहुत ही छोटी मोटी सी और कुछ घर की चीज़ें हैं। तो वो सारा जो कॉस्मेटिक है, कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने ख़रीदी हैं और अपने लिए ख़रीदी हैं, अपनी किडीज़ के लिए ख़रीदी हैं, सो वो सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बड़ा मस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत ही क्यूटी क्यूटी सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्यूटी क्यूटी सी चीज़ें देखने से पहले गाइस, मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करो, एंड यूट्यूब वीडियो जी शाम को 7 बजे आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और शाम को 7 बजे ज़रा हमारा इंतज़ार करो। तो चलिए देखते हैं वो क्यूटी सी कौन सी चीज़ें जो मैंने परचेज। सबसे पहले तो मैंने लिए हैं छोटे से क्यूट से मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, और ये जॉय कंपनी की है। सो ये जॉय कंपनी आप देख सकते हैं, ये उसकी है, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। एंड गाइस, इट इज़ फॉर जस्ट 10 रुपीज़। जी हाँ, 10 रुपये में आपको ये मिल जाती है क्यूटी सी। और इसको मैं बेसिकली इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि मुझे अपने DIYs दिखाने होते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ना मेकअप प्रोडक्ट्स विद इन 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, ये सब कुछ दिख जाता है। एंड पर्स में रखने के लिए ना बहुत मस्त है, क्योंकि जब भी आपको लगाना है आप अपने पर्स में बहुत आराम से रख सकते हैं। सो ये स्किन फ्रूट में आता है जॉय का, एंड ये एलोवेरा में है, एंड दिस इज़ इन हनी एंड आलमंड्स, एंड दीज मॉइस्चराइजर्स आर वेरी गुड फॉर ऑल स्किन, एंड दीज मॉइस्चराइजर्स आर गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। तो कोई भी आँख बंद करके इसको ले सकता है और यूज़ कर सकता है। एंड मैंने देखा बहुत सारे आपके जो कॉस्मेटिक की दुकानें जो छोटो मोटो सी होती है ना, जैसे एक तो बहुत ही बड़ी सी जहाँ पे ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन एक जो हमारी छोटी सी दुकानें या सब्ज़ी मार्केट में छोटी सी दुकान मिल जाएगी, जैसे हमारी लोकल मार्केट में छोटी सी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे ये बहुत आराम से मिल जाता है। VLCC की भी मैंने देखा एक बार 10 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन अभी मुझे काफ़ी टाइम से नहीं मिली, बट जॉय की मिलती है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनकी मिलती हैं 10 रुपये में, सिर्फ 10 रुपये में। नेक्स्ट मैंने ये क्रंचेस लिए हैं क्यूट से, अलग अलग कलर के सैटिन में मिले हैं, एंड दिस जस्ट कॉस्ट फॉर वन, एक आया था 10 रुपीज़ का, सो विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल थिंग। और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे बालों में छोटे वाले नहीं लगते हैं, मेरे बाल घने हैं, सो आराम से मैं इसको लगा सकती हूँ। एंड सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, इट कैन वर्क एज माई एक्सेसरी ऑल्सो। अगर अभी जैसे मैंने बालों को खोल रखा है तो ये हाथ पे भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सो एक ये ट्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे पतले वाला तो सब लगाती हैं गर्ल्स, आई नो दैट, लेकिन ये वाला भी लगाओगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं कई बार अपने वीडियो में, अगर मुझे कोई नहीं मिलता ना ब्रेसलेट पहनने को, तो मैं इसको लगा लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है। सो जैसा भी मैंने लगा लिया है। इसके बाद ऐसे ही छोटू से मैं रबर बैंड्स लेकर आई हूँ अपनी क्यूटी से लिए, अपनी क्यूट प्रिंसेस के लिए। जी हाँ, मेरे पास दो क्यूट सी डॉटर्स हैं, उनके लिए लाई हूँ, और ये बहुत क्यूट है, इतना क्यूट है ना, छोटा सा है ये, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये पूरा बंच आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ का आया था, जो मुझे ये लिया मैंने इसको इसकी क्यूटनेस के लिए, और जब मैं घर लेकर आई हूँ तो बच्चों को भी बहुत क्यूट लग रहा है। और ये मुझे ना लाइव में अभी 2-3 दिन हो गया है सामान को, सो दे आर आफ्टर माई लाइफ कि जल्दी से वीडियो बनाओ तो हमें ये लगाना है, मैंने लगाने नहीं दिया है, तो अभी वो वेट करेगी कब हमें ये मिलेगा। सो अभी फटाफट वीडियो बन जाएगा ना, फटाफट ये उनके हाथ में आ जाएगा, तो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। मैं कभी भी वीडियो शूट कर, जब भी कोई सामान लाती हूँ और मुझे वीडियो शूट करना है, तो आई मेक श्योर कि मैं इसको संभाल के रखूँ, क्योंकि ना कई बार मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करूँगी और मैं देखते बाद में सामान ही नहीं मिलता, सब कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। सो बस थोड़ा सा ना टाइट करके मैंने बोला था मुझे वीडियो शूट करना था, उसके बाद ही ये मिलेगा, जैसा दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। उसके बाद एक और बहुत ही मस्त चीज़ मैं लेकर आई हूँ, ये है मेरा स्ट्रीक्स का हेयर सीरम। ऐसा हेयर सीरम लिवॉन में भी आता है गाइस, अगर आपको हेयर सीरम लेने का शौक है और आप वो बहुत बड़े अमाउंट नहीं खर्च करना चाहते, सिर्फ 3 रुपये में मिलता है। यू कैन एक्चुअली सी कि 3 रुपये का, और इसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी है कि आप इसे कम से कम 3-4 बार आराम से लगा सकते हो। जी हाँ, 3 रुपये में सीरम भी मिलता है, एंड जो स्ट्रीक्स का ओरिजिनल सीरम जो 100 रुपीज़ में मिलता है, उसी का छोटा पैक है ये। सो आपको बहुत मज़ेदार है, जितने लगाने उतने आप ये ले सकते हो। बहुत गर्मी हो रही है गाइस, आप मेरा फेस देख सकते हो, पसीना कितना हो गया है। कुछ करो गर्मी का। उसके बाद एक और मस्त चीज़ मैं लेकर आई हूँ, एवर यूथ का ये स्क्रब मैं लाई हूँ, एंड इट इज़ जस्ट फॉर
आई थिंक 12 rupees, 12 rupees में स्क्रब आपको मिल जाएगा। ये पाउच आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर, हर जगह ये मिलते हैं, बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं 15 rupees में। बल्कि इसमें इतना स्क्रब होता है कि मैं इसमें 2 बार में यूज़ कर सकती हूँ, एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज एवर यूथ, सबसे पहले अगर स्क्रब किसी ने इंडिया में बनाया था ना तो वो एवर यूथ था। सो इसका स्क्रब आप 12 rupees में। नेक्स्ट है उसी तरह से एवर यूथ का डी टैन पैक, बिकॉज आजकल टैनिंग इतनी हो रही है तो उसे बचने के लिए ये बहुत अच्छा पैक है, एंड इट इज़ जस्ट फॉर 20 rupees, एंड इट जस्ट फॉर 20 rupees, 20 rupees में आपको फेस पैक। सो अगर आपको फेस क्लिनजिंग करने का शौक है तो 12 rupees के ये खरीदो, 20 rupees का ये खरीदो, एंड 2 बार की क्लिनजिंग हो जाएगी, इतनी क्वान्टिटी इसमें होती है। और उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, जो आजकल पील ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ बहुत चलता है, पील ऑफ भी सबसे पहले एवर यूथ ने ही बनाया था, और मुझे याद है इसका ये गोल्डन पील ऑफ मास्क मैंने काफ़ी यूज़ किया है, एंड इट इज़ वेरी फाइन, बहुत ही अच्छे से लगता है और बहुत ही अच्छे से एकदम से निकल जाता है, क्योंकि बाकी का ही मैंने देखे जो बहुत मुश्किल होते निकलने। सो इट इज़ वेरी नाइस एंड इट जस्ट फॉर 15 rupees, आप आराम से इसको ले सकते हैं। सो मतलब आपके 10-15-20 rupees में आपको पूरा फेशियल हो सकता है, इतना अच्छे प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ। अरे जुगाड़ करना है ना तो सुरसुरी चैनल पर, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहो। उसके बाद ये क्यूट क्यूट से भी रबर बैंड्स में लेकर आई हूँ, हर कलर के लाई हूँ जो कि बहुत प्यारे लगता है। ये आई थिंक 10 rupees के 2 थे, ये 10 rupees के 3 या 4 थे। सो ये बहुत ही क्यूटू से हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, कलरफुल, इट लुक्स वेरी नाइस, और किसी भी हेयर स्टाइल में आप इसे आराम से लगा सकते हैं। और हेयर की एक और चीज़ मैं लेकर आई हूँ, ये है पाउचेस। सो गाइज, अगर आपको पहली बात है ट्रैवल करना है, या आप बड़ी बड़ी बॉटल्स नहीं खरीदना चाहते, स्पेस घेरना नहीं चाहते, सो यू कैन एक्चुअली बाय दीज पाउचेस। डव के पाउचेस हैं, शैम्पू और कंडीशनर आपको साथ में मिलेगा, आई थिंक इट इज़ जस्ट फॉर 5 rupees में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। सो 3 का पैक 15 rupees का मुझे पड़ा था, सो इट्स वेरी नाइस, और डव के शैम्पू रियली बहुत अच्छे होते हैं, एंड कंडीशनर तो डव से अच्छा कोई मैंने देखा ही नहीं आज तक, सो दिस इज़ अनदर थिंग, और ये हर जगह मिलता है आराम से, और भी कई कंपनीज के शैम्पू या पाउचेस, कंडीशनर सब आपको मिल जाएगा, बट ये सबसे रीज़नेबल था बिकॉज 5 rupees में दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, बाकी सिर्फ शैम्पू ही 4 rupees के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, आपको जो परचेज़ करना है आप ले सकते हैं। उसके बाद कुछ हेयर एक्सेसरीज, ये मैं क्लचेस लेकर आई हूँ, एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रच है, ये दिस इज़ फॉर 40 rupees जो मैं लाई थी, एंड ये 10-10 rupees के हैं, ये बहुत क्यूट है, देखो कलरफुल बहुत प्यारा लगता है, और ये वाला मुझे ये मूव कलर वैसे भी आजकल पता नहीं कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ऑल दीज आर वेरी नाइस क्लचेस, मेरे क्लचेस का तो ये हाल है कि पूरे घर में फैल जाते हैं, खो जाते हैं, सो मुझे बार बार इनको रीस्टॉक करना। एंड अदर थिंग इज़ ये मैं लाई हूँ VLCC की ब्लीच, ये VLCC की ब्लीच मेरे स्किन पे बहुत सूट करती है, फाइनली अगर कोई ब्लीच मुझे सूट करती है तो वो VLCC की है, एंड इट इज़ फॉर अराउंड ये 65 rupees की है, 60 rupees 65 rupees में मिल जाती है, कई वेरिएशन है, डायमंड ग्लो है, गोल्डन है, मैंने इसमें गोल्ड ब्लीच ली है, एक नेचुरल ब्लीच भी है, बहुत सारी है इसके अंदर, एंड इट सूट्स, इट्स वेरी नाइस ब्लीच का, इससे कोई नुकसान मुझे मेरे स्किन में कभी नहीं महसूस हुआ। देन इज़ माई क्यूटू सा, ये मैं लेकर आई हूँ, और ये हुडा ब्यूटी के ड्यूप है, पता है मुझे ये सिर्फ 40 rupees का मैंने ख़रीदा, बिकॉज मैं एक्चुअली ब्रश पर्सन हूँ, आपने कभी मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं सिर्फ ब्रशेस यूज़ करती हूँ, बट मुझे लगा ब्यूटी ब्लेंडर भी ट्राई करना चाहिए, मैंने पहले नायका का भी ख़रीदा था, वो मेरा ख़राब हो गया, तो मैंने इसलिए इस बार रीज़नेबल ख़रीदा, बिकॉज मैं यूज़ नहीं करती तो वो ख़राब हो जाते हैं, बट मैंने देखा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई, आई वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग माई मेकअप यूजिंग दिस, और इसके बाद मैं फिर हाई एंड में जाऊँगी, कोई बहुत फाइन क्वालिटी का मुझे लेना हो, इससे अभी मैंने इसी से काम चलाना है, देखते हैं, इससे भी मेकअप हो जाता है बढ़िया। अगर आप इससे मेरा मेकअप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करो, आई यूज़ दिस ब्लेंडर टू डू द मेकअप, और फिर देखते हैं ये ब्लेंडर कितना अच्छा है। उसके बाद आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं खरीद के लाई थी, वो थी ये मास्क, ये एक्चुअली 3-लेयर मास्क मैं लेकर आई हूँ, और सबसे अच्छा इसमें क्या है कि इसमें जो आपका जो ये ईयर में लगाने वाला है ना, ये आप एडजस्ट कर सकते हो, इसमें आप ये देख सकते हैं ये छोटा सा ये लगा हुआ है, सो इसकी वजह से ना आप एडजस्ट कर सकते हो इसको, बिकॉज़ क्या है कान में कभी हम लगाते हैं वो ढीला हो जाता है, कुछ हो जाता है, बिकॉज़ आई लाइक टू यूज़ रीयूजेबल मास्क, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं, और ये 3-लेयर में मिलने लगे हैं, सो इट इज़ वेरी नाइस थिंग। सो गाइज, मास्क लगाना अभी मत भूलना, कोरोना गया नहीं है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू पुट ऑन दिस मास्क। और अपनी प्रिंसेस के लिए भी मैंने एक छोटा बेबी मास्क लिया है, एक ये वाला लिया है, और ये मैंने अपने प्रिंस के लिए लिया है,
सो दोनों के लिए ये था मेरा हॉल जो मैंने लोकल मार्केट से किया था। आई होप आपको काम का और इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारी काम की जुगाड़ी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। जैसे हेयर केयर कैसे कर सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में, उसका वीडियो मेरे चैनल पर आएगा। DIYs तो आने हैं, इस मॉइस्चराइज़र का यूज़ तो करना है, DIYs बनाने हैं, सो सब कुछ चैनल पर आने वाला है। सो सुरसु चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, बने रहो गाइज। एंड गाइज इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक यार मुस्कुराते रहो, चिल्ड आउट रहो, मस्त रहो, हमसे जुड़े रहो। टेक केयर, बाय बाय।